राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस ने उन्हें याद कर अर्पित की पुष्पांजलि वाहन रैली निकाली। सेवा समर्पण अभियान के अंतर्गत भाजपा ने मूर्तिकारों व शिल्पकारों का किया सम्मान, महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी को किया नमन। कृषि बिल के विरोध में कानूनी लड़ाई लड़ रहे किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा पहुंचे छिंदवाड़ा, पत्रकारों से चर्चा में बताए कृषि बिल से नुकसान। और 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होंगे विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निकाली विधिक जागरूकता रैली। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और आइए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती दिवस पर कांग्रेस ने उन्हें याद कर अपनी विनम्र पुष्पांजलि अर्पित की। स्थानीय राजीव भवन में पूज्य बापू व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत उपस्थित कांग्रेसजन ने मोटरसाइकिल से रैली के रूप में नगर भ्रमण किया। राजीव भवन से प्रस्थान के उपरांत कांग्रेसजन ने स्थानीय गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा के समक्ष नारे लगाए। प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सभी कांग्रेसजन मोटरसाइकिल रैली से छोटा तालाब स्थित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे और माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। शास्त्री प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कांग्रेसजन ने गांधीगंज में स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वार्ड क्रमांक 23 में साफ सफाई की। आयोजित सभी कार्यक्रमों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, श्रीमती किरण चौधरी, पंकज शुक्ला, फिरोज खान, जाकिर परवेज सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, ये सफाई अभियान जो हम आज कर रहे हैं ये देन भी हमारे महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी जी ने ही ये शुरुआत की थी, लेकिन आज नाम कोई और ले रहा है अपना कि हमने ये स्वच्छता अभियान चालू किया था, लेकिन ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी हमारे महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वच्छता के संदेश देने हेतु आज गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत भाजपा नगर मंडल 1 द्वारा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं वरिष्ठ नेताओं के द्वारा वार्ड क्रमांक 29 में मूर्तिकारों, कुम्हारों, छोटे शिल्पकारों, कारीगरों और मजदूरों को फूल माला पहनाकर शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोज चौरे, मंडल महामंत्री दिनेश मालवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण एवं क्षेत्रवासी उपस्थित थे। मोदी जी का साथ दो, भाजपा का साथ दो, शिवराज जी का साथ दो आप लोग। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। मोदी जी के साथ दे, भाजपा का साथ दे, शिवराज जी का साथ दे आप लोग। मोदी जी वाले हैं, मोदी जी वाले, ये नारे तो देना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जो सेवा ही समर्पण कार्यक्रम चला रही है 17 तारीख से 7 तारीख तक, उसी के तहत आज हम कलाकारों का, हस्तशिल्पियों का सम्मान कर रहे हैं। आज कुमारी मोहल्ला में आकर के सभी मूर्तिकारों को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ सम्मान किया जा रहा है। जितने भी हस्तशिल्पी हैं, कलाकार हैं, ये आज हम लोगों की सेवा करते हैं, आज मूर्तियां बना रहे हैं, ऐसे आप लोग सेवा करके देश की आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और कई बार देखने में आया जाता है कि इन्हें बुला दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम करती है, तो आज यह कार्यक्रम आयोजित किया।
कृषि बिल के विरोध में कानूनी लड़ाई लड़ रहे किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा छिंदवाड़ा पहुंचे। वे कुछ किसानों से भी मिले और उन्होंने कृषि बिल से होने वाले नुकसान के बारे में समझाइश दी। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की। हमारा जो आने का लक्ष्य था वो ये था कि जिन लोगों को गांव में इस आंदोलन के बारे में कम जानकारी है उनको बताया जाए और इस आंदोलन में जो दिल्ली के बॉर्डरों पर हम बैठे वहाँ ला जाए। इसलिए आपको पता है कि 30 सितंबर को हमारे जो संघर्ष हमने शुरू किया था पंजाब से शुरू किया था जो केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि विरोधी कानून बनाए हैं उनको रद्द करवाने के लिए MSP की पूरे देश के किसानों की फसल खरीदने की गारंटी लेने के लिए और जो बिजली शोध बिल 2020 था उसको रद्द कराने के लिए इसी तरह एक पराली के संबंध में था उसको रद्द कराने के लिए हमने 1 अक्टूबर 2020 को पंजाब की रेलवे ट्रैकों पर संघर्ष शुरू कर अनमिथे समय तक 2 महीने हम पंजाब में रेलवे ट्रैकों पर बैठे रहे और उसके बाद हमने ये विचार किया क्योंकि हमारे जो पंजाब के 32 संगठन थे जिन्होंने ये कम मिनिमम प्रोग्राम लेकर इस पर सारे अलग अलग विचार रखे थे तो हमने सारे में इकट्ठा होते थे ये संघर्ष पंजाब से शुरू किया। तो फिर जब हम पंजाब के रेलवे ट्रैकों पर बैठ के उसके बाद हमने ये सोचा कि ये जो संघर्ष है ये अकेले पंजाब के किसानों का नहीं ये पूरे देश के किसानों का और साथ साथ जहाँ किसानों के हित में नहीं ये कानून इसी तरह जो देश के आम नागरिक है वो मजदूरी करता है वो दुकान करता है वो मुलाजम है ट्रांसपोर्टर है दुकानदार है वो सभी के खिलाफ है क्योंकि ये जो कॉरपोरेट घराने आ गए तो इन्होंने सारे अनाज की खरीदी करके अपने स्टोरों में जमा कर ली तो उसके बाद वे अपनी मर्जी के रेट लगाकर ये जो है लोगों को देंगे। इसलिए हम पंजाब से निकलकर दिल्ली जो ऑल इंडिया के हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ विचार विमर्श करके हम 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डरों पर आ गए और हमारे को दिल्ली नहीं जाने दिया वहाँ हम रुक गए वहीं पर बैठे जो कि परसों 30 सितंबर को पूरा एक इस संघर्ष शुरू हुए को 1 साल पूरा हो गया और कल 1 अक्टूबर से लेकर आज 2 अक्टूबर 2021 आ गया आज 1 साल दूसरा दिन इस संघर्ष को चलते हुए 22 जनवरी को हमारी लास्ट मीटिंग हुई 2021 में उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और संघर्ष चलता रहा लेकिन केंद्र सरकार ने इस हमारे संघर्ष को टारपीडो करने के लिए इसको फेल करने के लिए हमारे ऊपर कई तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए ये पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए ये मुट्ठी भर लोग हैं ये किसान नहीं है ये तो राजनीतिक लोग हैं कभी हमारे को खालिस्तानी कहा कभी हमारे को माओवादी कहा कभी हमारे को कुछ कहा कभी कुछ कहा लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो निरंतर दिन प्रतिदिन तेज होता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आम जन को विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा उनका लाभ दिलाए जाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों के द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विभिन्न विधिक कार्यक्रमों गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा जिसका शुभारंभ आज प्रधान जिला न्यायाधीश BP शर्मा द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। जागरूकता रैली में विशेष न्यायाधीश राजीव अयाची प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय चंद्रदेव शर्मा जिला न्यायाधीश AK गोयल सहित समस्त न्यायिक अधिकारी कर्मचारी छात्र विधि छात्र NCC छात्र पैरालीगल वॉलेंटियर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। रैली जिला न्यायालय से प्रारंभ होकर ELC चौक पोला ग्राउंड जिला अस्पताल फवारा चौक कलेक्टर ऑफिस का भ्रमण करते हुए जिला न्यायालय परिसर में समाप्त हुई।
रैली के समापन के उपरांत जिला न्यायालय परिसर में विधि छात्रों के द्वारा वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के संबंध में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत तथा विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। जो सम्मान की भावना है वो प्रत्येक व्यक्ति में अपने अंदर से होनी चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से किन्हीं व्यक्तियों में ये आदतें नहीं होती है तो आरोपी या ऐसे कुछ घटनाएं करने वाले लोग हैं उनके ऊपर असामाजिक तत्वों पर एक कारावास एवं आधी दंड की कठोर से कारावास की भी सजा का प्रावधान यहाँ पर। यह वंदे मातरम। हम सब तेरे कातिल हैं, हम खूनी तेरे बापू, पाप कभी ये धो न सके ना का भी पानी। धन्य धन्यो गांधी बापू, धन्य है तेरी कुर्बानी। धन्य धन्यो गांधी बापू, धन्य है तेरी कुर्बानी, भूल नहीं। हम आएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज छिंदवाड़ा में भी इस रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सभी न्यायाधीशगण, हमारे जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देश में और अन्य विभागों के एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस, स्कूल कॉलेजेस, महिला बाल विकास, सभी विभागों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और विधिक जागरूकता फैलाने में सहयोग किया। मैं सभी से अपील करता हूँ कि देश में और हमारे नगर में जो भी ऐसे लोग हैं जो विधिक रूप से परेशान है या उनकी कोई ऐसी समस्या है और वे धन की कमी के कारण अपना मामला नहीं पहुंचाते या वे न्याय नहीं प्राप्त कर पाते, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से आकर के हमसे योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और हम उनकी मदद करेंगे। जिला कांग्रेस सेवा दल एवं क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी लोनिया करबल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर लोनिया करबल स्थित लॉन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, अमित सक्सेना, भैयाजी शिवहरे, दिगंबर ठाकरे, राजू तिवारी, सुरेश कपाले, महादेव सातपुते, चैतराम पाल, हेम बाबू सिंह राजपूत, आनंद बख्शी, गुणेंद्र दुबे, तरुण कराड़े सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे। गांधी जयंती के अवसर पर हम सब लोगों ने आज उनका नमन करने के लिए और सारे कार्यक्रमों में उनकी जो नीतियां हैं उनके जनता के बीच बताने के लिए आज ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ था और सभी जगह गांधी जी को पूरा उनका वो किया जा रहा, सम्मान किया जा रहा है। और इस अवसर पर मैं यही चाहता हूँ जो गलत ढंग से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उससे जनता मुक्त और वास्तविकता को समझे और आने वाले समय में हम लोग भाईचारा, प्यार और अपना अपने देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यही निवेदन है। मैंने जो बात कही वो सब जनता के हित में और जो वास्तविकता वही कही है। मेरा ये अनुरोध है कि आप जनता तक वास्तविकता पहुंचाएं कि हमारे पूरे कांग्रेस परिवार जो है महात्मा जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रही है और आज जो विचारधारा का जो सबसे बड़ा खतरा देश को पैदा हुआ है जिसका हम कांग्रेस लोगों ने संकल्प लिया कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले समय में ये आपको मैदान में भी दिखाएंगे। आज हम हमारे दो महान नेताओं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से, माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की ओर से, सब आम नागरिकों से, कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। आप सबको गांधी जी और शास्त्री की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। निगम कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पे उनको श्रद्धा सम्मान अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया था, उनकी स्मृतियों को याद किया गया और निश्चित रूप से आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो विचारधारा है उसकी आज बहुत आवश्यकता हमको है क्योंकि इसी विचारधारा पर चलकर देश आज़ाद हुआ था और आज इस आज़ाद देश में
इस विचारधारा के सामने, इस देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनको हमको समझने की आवश्यकता है। तो इस अवसर पर मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के विचारों को हम समझें, शास्त्री जी के विचारों को हम समझें और उनको अपने आचरण में लाएं। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट के सामने ग्राउंड में एकत्रित होकर मौन रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए फवारा चौक स्थित बापू की प्रतिमा के पास पहुंची, जहां संघ के सदस्यों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सत्याग्रह किया। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के तहत हमारे प्रांत अध्यक्ष सत्यन तिवारी के नेतृत्व में आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली हेतु गांधी जी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया गया। इसी तारतम में हम छिंदवाड़ा जिले में भी आज हमने गांधी जी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया। हमारी रैली मौन रैली निकाली गई एवं पुरानी पेंशन बहाल करो करके हमने मौन रैली करके और गांधी जी के समक्ष उपस्थित होकर गांधी जी को माल्यार्पण करके उनके सामने शपथ लेकर कि सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारी पुरानी पेंशन लागू हो, इसलिए हमने आज सत्याग्रह किया। बैतूल जिले में निवास करने वाले संदीप यादव, जो कि पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने 1 अक्टूबर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या तक के लिए साइकिल यात्रा प्रारंभ की है। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन था जब वे छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और प्रेस से भी बात करते हुए अपनी यात्रा के उद्देश्य बताए। अयोध्या की ओर जा रहा हूं। क्यों जा रहे हैं? मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, मैं हर वर्ष करता हूँ कोई ना कोई यात्रा, तो इस वर्ष मेरी ये बैतूल से अयोध्या आध्यात्मिक यात्रा है। और इसके पहले मैं नर्मदा परिक्रमा पैदल पूरी कर चुका हूँ, इसके पहले शिरडी साइकिल यात्रा हो चुकी है, शेगांव साइकिल यात्रा, पचमढ़ी साइकिल यात्रा और खंडवा दादाजी धुनी वाले की साइकिल यात्रा में कर चुका हूँ। इसका उद्देश्य क्या है आपका उद्देश्य यात्रा का? जैसे मैं एक टीचर हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ाता हूँ, तो मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि कोई भी पद पे अगर कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो वो उसकी मानवता कैसी है। मतलब वो जैसे एग्ज़ाम तो कोई भी फाइट करके मतलब ले लेगा, लेकिन उस पे उस पद पे व्यक्ति कैसा बैठ रहा है, तो उसकी नैतिक शिक्षा क्या है, और मैं मेडिटेशन से उसको जोड़ता हूँ शिक्षा को, ताकि उसका जो मन है वो निर्मल हो। तो मेरा वही उद्देश्य रहता है पढ़ाते समय भी कि तो शिक्षा तो लेके चलना है, लेकिन उसके साथ उसकी जो दैनिक दिनचर्या है और लोगों से उसकी जो मानवता है, व्यवहार है, उसको लेकर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। साइकिल से ही यात्रा क्यों कर रहे हैं? साइकिल से ये है सर कि एक तो शरीर फिट रहता है जी। दूसरी बात ये है कि एक लोगों से आप बहुत करीबी से जुड़ते हो, मतलब गाड़ी से क्या फुर से निकल जाता है, कोई भी कल्चर नहीं देख पाता है। मतलब छोटी छोटी जैसे आदिवासी लोग हैं उनका कल्चर क्या है, जैसे कहीं रुके अपन किसी के यहाँ तो बाजरे की रोटी मिल जाती है, ज्वार की मिल जाती है, उनका कल्चर रहन सहन कैसा है, ये सब चीज़ें बहुत नज़दीक से जान पाते हैं। प्रतिदिन कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाती है? प्रतिदिन मैं 70-75 किलोमीटर चलता हूँ। गांधी जयंती के अवसर पर मादक पदार्थों के दुर्व्यसन की रोकथाम पर जागरूकता हेतु नाटक आयोजित किया गया। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग के सौजन्य से नशा मुक्ति सप्ताह अंतर्गत किरदार संस्थान एवं शासकीय कला पदक दल के कलाकारों ने मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले हानियों का संदेश देते नाटक का मंचन किया। 240 सुअर ससुर जी है पैर पर
साला है। चल नहा नहीं पास कर रहा जो। चल अंदर तू नहा के आने का है। बोलो नहा क्या ने? जी दादा भी नहा। पहले पानी तो पिलाओ यार। पानी गुटका खात होए दो अक्टूबर मद्य निषेध सप्ताह अंतर्गत 2 से 8 अक्टूबर तक संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में मद्य निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की ओर से अशासकीय संस्था किरदार संस्थान छिंदवाड़ा के नाट्य संस्था के सदस्यों के द्वारा शासकीय कला पथक दल के साथ सहयोग कर बहुत अच्छे नुक्कड़ नाटक नशा मुक्ति को लेकर संपूर्ण जिले में किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत नगर निगम छिंदवाड़ा के गोधूली वृद्धाश्रम में आज कार्यक्रम का आगाज किया गया एवं प्रथम नाट्य नुक्कड़ नाट्य का प्रदर्शन किया गया। द्वितीय कार्यक्रम छिंदवाड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत गोरैया में कार्यक्रम किया गया बाजार चौक में ग्राम पंचायत के बाद, जिसका भरपूर संपूर्ण जनता ने आनंद लिया और बहुत अच्छा कलाकारों के द्वारा प्रभावपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और नशा मुक्ति की ओर हमारे जो बढ़ते कदम है मध्य प्रदेश शासन के, उसमें हमें सफलता और एक स्वर्णिम भविष्य दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रदेश नशा मुक्त हो, जिला नशा मुक्त हो। धन्यवाद। जय हिंद। आज तहसील परिसर स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में आम नागरिकों और भक्तों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं लोगों ने इस कैंप को आयोजित करने के लिए समिति का धन्यवाद ज्ञापित किया। पंचमुखी हनुमान मंदिर उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में आज पंचमुखी हनुमान मंदिर में शनिवार में शनिवार को देखते हुए वैक्सीनेशन का कार्य किया गया है। जिनको पहला डोज दूसरा डोज नहीं लग पाया है और जिनका समय हो गया है वे यहां पर आकर के लगवा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था समिति के द्वारा की गई है, शासन के द्वारा की गई है। हम चाहते हैं कि मंदिरों में भक्तों का तांता रहता है, वे सबकी जिंदगी सुरक्षित रहे, इसी भाव से यह वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। सभी को आगे आकर के वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। लगभग कितनी वैक्सीन आज लगाई जाएगी यहाँ पर? 5 बजे तक लगाई जाएगी, जिसमें 250 से 300 वैक्सीन लगाने का चल रहा है। पूर्व नगर निगम सभापति भाजपा नेता अभिलाष गौहर के जन्म दिवस के अवसर पर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर बधाई व शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता व इष्ट मित्र मौजूद थे। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दूसरे दिन से स्थापित होने वाले मस्करा गणेश जी का आज विसर्जन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालु भक्तों ने धूमधाम से नाचते गाते हुए शोभा यात्रा निकाली। और अब इन खबरों को समेट एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। We'll be right back.
चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस ने उन्हें याद कर अर्पित की पुष्पांजलि, वाहन रैली निकाली। सेवा समर्पण अभियान के अंतर्गत भाजपा ने मूर्तिकारों व शिल्पकारों का किया सम्मान, महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी को किया नमन। कृषि बिल के विरोध में कानूनी लड़ाई लड़ रहे किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा पहुंचे छिंदवाड़ा, पत्रकारों से चर्चा में बताए कृषि बिल से नुकसान। और 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होंगे विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निकाली विधिक जागरूकता रैली। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।